आज हमारी आप सबकी चर्चा डी रेड फर्स्ट सेमेस्टर कंपल्सरी पेपर सेकंड चैप्टर का नाम है शिक्षण के सिद्धांत थियरीज ऑफ टीचिंग पर होगी। सबसे पहले शिक्षण सिद्धांत का अर्थ। शिक्षण सिद्धांत से अभिप्राय है कि किसी भी विषय क्षेत्र या प्रक्रिया के विषय में सुव्यवस्थित सुसंगठित तथा निश्चित क्रम में विचारों को इस प्रकार से आयोजित किया जाए कि वह प्रक्रिया अस्पष्ट रूप से सभी के समक्ष प्रदर्शित की जा सके। इसके लिए महोदय एजुकेशन साइकोलॉजी में इन्होंने शिक्षण सिद्धांत को बड़ी छोटी परिभाषा दिया। थियरी इज ए फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा रिड्यूस्ड टू ए मिनिमल नंबर ऑफ टर्म्स। थियरी इज ए फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा रिड्यूस्ड टू ए मिनिमल नंबर ऑफ टर्म्स अकॉर्डिंग B.F. Skinner। इंग्लिश जर्नल डिक्शनरी में लिखा गया है थियरी इज सपोजिशन SUPPOSITION थियरी इज सपोजिशन टू अकाउंट फॉर समथिंग सिस्टम ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स कामा रूल्स एंड रीजनिंग एक्सेट्रा एज डिस्टिंग्विश्ड DISTINGUISHED डिस्टिंग्विश्ड प्रैक्टिस अकॉर्डिंग इंग्लिश जनरल डिक्शनरी। इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किया कि शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है, अतः शिक्षण सिद्धांत भी दार्शनिक तथा वैज्ञानिक प्रयत्नों को एक साथ समेटे हुए है। आइए इसकी परिभाषा पर हम लोग चर्चा करते हैं। ब्रूनर के शब्दों में शिक्षण सिद्धांत उपचारात्मक होता है। यह ज्ञान अथवा कौशल प्राप्त की अधिकतम प्रभावशाली विधियों से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है तथा ऐसा मानदंड प्रदान करता है जिसकी सहायता से शिक्षण या अधिगम मूल्यांकन किया जा सके। गेज के शब्दों में शिक्षक किस प्रकार व्यवहार करते हैं, वह वैसा व्यवहार क्यों करते हैं तथा उस व्यवहार का प्रभाव क्या होता है, इसे हम शिक्षण की परिधि के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अकॉर्डिंग गेज द थियरी ऑफ टीचिंग शुड आंसर थ्री क्वेश्चंस। फर्स्ट, हाउ टीचर्स बिहेव। सेकंड, व्हाई दे बिहेव एज दे डू। एंड थर्ड, With that effects, according Gage, कार्लिंगर के शब्दों में शिक्षण सिद्धांत शिक्षण की परिकल्पनाएं तथा संबंधित चरों की व्याख्या करते हैं, कामा जिससे शिक्षण प्रत्यय को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाता है। चरों के संबंध का विशिष्टीकरण शिक्षण के उद्देश्यों की व्याख्या करने तथा उसके संबंधों में पूर्ण कथन के लिए किया जाता है। इन इंग्लिश वर्जन, ए थियरी ऑफ टीचिंग इज ए सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंस्ट्रक्ट डेफिनेशन एंड प्रपोजिशन व्हिच प्रेजेंट्स ए सिस्टमेटिक व्यू ऑफ टीचिंग बाय स्पेसिफाइंग रिलेशंस एवं वेरिएबल्स विद द पर्पज ऑफ Explaining and predicting teaching according
कर्लिंगर। शिक्षण सिद्धांत के आधार इसके निम्न आधार हैं। नंबर एक, शिक्षण एक स्वतंत्र अनुशासन है। शिक्षण की पाठ्यवस्तु में शिक्षण सिद्धांतों का होना अनिवार्य है। नंबर दो, शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। शिक्षण को कला एवं विज्ञान की संज्ञा दी जाने लगी है, अतः शिक्षण के अवयव एवं चरों का विश्लेषण किया जाने लगा है, जिससे शिक्षण की प्रकृति का बोध होता है। तीसरा, शिक्षण सिद्धांत शिक्षक व्यवहार पर आधारित किए जा सकते हैं। शिक्षण सिद्धांत की व्याख्या करते हुए मनोवैज्ञानिक रायन ने बताया कि शिक्षक व्यवहार में सुधार और परिवर्तन लाया जा सकता है। शिक्षक व्यवहार का वस्तुनिष्ठ रूप में मापन भी किया जा सकता है। इससे शिक्षक व्यवहार की प्रकृति का बोध भी किया जा सकता है, जो शिक्षण सिद्धांत के एक पक्ष की व्याख्या करने में सहायक हो सकता है। चौथा पॉइंट है, शिक्षण सिद्धांत अधिगम सिद्धांतों पर आधारित किए जा सकते हैं। मनोवैज्ञानिक क्रोनबेक के शब्दों में, शिक्षण के सिद्धांत अधिगम सिद्धांतों पर आधारित किए जा सकते हैं। शिक्षण क्रियाएं अधिगम क्रियाओं को सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, जहां शिक्षण क्रियाएं संपादित होने पर ही अधिगम होगा। इस प्रकार शिक्षण और अधिगम में घनिष्ठ सहसंबंध होता है। पांचवा, शिक्षण के लिए सीखने की परिस्थितियां एक सुदृढ़ आधार प्रदान करती हैं। रॉबर्ट गेने का कथन है कि शिक्षण के लिए अधिगम परिस्थितियां आधार होती हैं। अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न करने के लिए शिक्षक द्वारा विभिन्न प्रकार की युक्तियां तथा प्रविधियां प्रयुक्त की जाती हैं। छठा पॉइंट है, शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सिद्धांत के मौलिक आधार हैं। शिक्षण के प्रतिमान शिक्षण सिद्धांतों का आदि रूप है, इनिशियल स्टेज है, जिसमें शिक्षण के लक्ष्य, संरचना, सामाजिक व्यवस्था तथा मूल्यांकन की व्याख्या विशिष्ट एवं व्यवहारिक रूपों में की जाती है। अब हमारी आपकी चर्चा शिक्षण के सिद्धांत पर होगी। शिक्षण के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। नंबर एक, करके सीखने का सिद्धांत, थियरी ऑफ एक्टिविटी। बालक जैसे जैसे क्रियाशील होता है, वह कार्य करने में आनंद का अनुभव करने लगता है। इस सिद्धांत को करके सीखने पर, करके सीखना कहा जाता है। सिद्धांत को इसके अंतर्गत डाल्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन, बेसिक शिक्षा आदि इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। टीटी और सीटेट की जो तैयारी लोग कर रहे हैं, वे इसको कायदे से पढ़ें। मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, डाल्टन ऐसी ही कुछ पद्धतियां हैं जो क्रियाशीलता पर जोर देती हैं। महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई बेसिक योजना तथा राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा 2005 में कर के सीखने को मूलभूत सिद्धांत के रूप में मान्यता दी गई है। दूसरा है प्रेरणा का सिद्धांत, थियरी ऑफ मोटिवेशन। इस सिद्धांत का प्रयोग बालकों में पाठ के लिए रुचि उत्पन्न करने हेतु किया जाता है। प्रेरणा का संचार होने पर बालक शीघ्र ही पाठ को सीखने का प्रयास करता है। बालकों को आसपास के वातावरण के बारे में जानकारी होने पर आसपास औद्योगिक कारखाने, खनिज संग्रह, बाल बगीचा, बाग बगीचा, विद्युत घर, म्यूजियम आदि के बारे में जानकारी करने के लिए वहां ले जाकर शिक्षकों के द्वारा उनके बारे में जानकारी देनी चाहिए। इससे बालकों में रुचि उत्पन्न होती है सीखने के प्रति, और ये प्रेरणा सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तीसरा है रुचि का सिद्धांत, शिक्षण के अस्पष्ट सुपाच्य पठनीय एवं रुचिपूर्ण बनाने के लिए पाठ में एक आदर्श लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। इस निर्धारित लक्ष्य के द्वारा ही आगे बढ़कर पाठ में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। अगला है
निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। कक्षा शिक्षण का प्रमुख सिद्धांत है कि निश्चित उद्देश्यों को निर्धारित करके पाठ को कक्षा में पढ़ाया जाए, जिसका तात्पर्य है प्रत्येक पाठ का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य ही निश्चित होता है। उद्देश्यों के अभाव में शिक्षक उचित शिक्षण नहीं करा सकता। यदि पाठ के उद्देश्यों का निर्धारण पूर्व में ही कर लिया जाता है तो शिक्षण बहुत ही स्पष्ट, व्यवहारिक, सरल, सुगम और रुचिकर हो जाता है। अगला पॉइंट है नियोजन का सिद्धांत, थियरी ऑफ प्लानिंग। शिक्षण हो या कोई भी कार्य हो, उसका पूरा होना इस बात पर निर्भर करेगा कि उसकी योजना बनाकर वह कार्य किया गया या नहीं। शिक्षण करते समय प्रत्येक शिक्षक को अपनी शिक्षण योजना बनानी चाहिए। उसके प्रस्तुतीकरण का क्रम ज्ञात हो, जिससे सीखने वाला भ्रमित न हो और उसके मन में यह संदेह न हो कि हमारे शिक्षक ने हमको क्या बताया। इस बिंदु पर उसको कोई भ्रम न हो। वर्तमान शिक्षण कार्य में प्रत्येक प्रशिक्षु को पाठ योजना के बनाने एवं अभ्यास करने पर जोर दिया जाना चाहिए। जैसे हमें एक उदाहरण आपको बता रहे हैं, आप हिंदी के अध्यापक हैं और आपको मान लीजिए बनाना है, पढ़ाना है कक्षा में संधि, तो आपको संधि की परिभाषा, संधि का अर्थ, उदाहरण आदि दे करके उसका इसी ऐसा प्लान बनाना चाहिए कि जिससे कि पूरा का पूरा कलांश आपकी पाठ योजना जो आपकी निर्धारित है, उस पूरे कलांश में पूरी पाठ योजना आपकी पूर्ण हो जाए। इसलिए नियोजन का सिद्धांत शिक्षण में प्रभावी है। अगला है चयन का सिद्धांत, थियरी ऑफ सिलेक्शन। ज्ञान विस्तृत है, उस ज्ञान को बालक की क्षमता और योग्यता के अनुसार ही महत्वपूर्ण तथ्यों का चयन करके प्रदान करना चाहिए। चयन यानी शिक्षक संपूर्ण इकाई अथवा पाठ्यक्रम को एक ही 40 से 45 मिनट के कलांश में प्रदान नहीं कर सकता। वह उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण बातों का चयन कर बताता है इस हेतु उसे क्या, कब, कितना व कैसे पढ़ाना है, यह चयन करना शिक्षक के लिए आवश्यक है। अगला पॉइंट है व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत, थियरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रत्येक बालक की आयु के अनुसार उनकी योग्यताएं, रुचियां, आवृत्तियां भिन्न भिन्न होती हैं। अतः शिक्षक को वैयक्तिक भिन्नताओं की जानकारी करके शिक्षण कार्य करना चाहिए, जिससे प्रत्येक स्तर पर छात्र लाभान्वित हो सके। अगला पॉइंट है लोकतंत्री व्यवहार का सिद्धांत, थियरी ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग। शिक्षक को चाहिए कक्षा में स्वतंत्रता का वातावरण उत्पन्न करे। प्रत्येक बालक को कक्षा के अंतर्गत यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि अपनी शंका का समाधान वह कर सके। पाठ का विकास करने में छात्रों का पर्याप्त सहयोग भी लेना चाहिए। इसलिए डेमोक्रेसी की व्यवस्था कक्षा में शिक्षक के द्वारा लागू करनी चाहिए। अगला है जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। इस सिद्धांत का अभिप्राय है कि किसी विषय को पढ़ाते समय इस बात पर ध्यान रखा जाए कि जीवन में प्रयुक्त होने वाली परिस्थितियों से वह कितना संबंधित है। जीवन से संबंधित इस विषय को बालक बहुत शीघ्र सीख लेता है। अगला पॉइंट है आवृत्ति का सिद्धांत, पाठ्य सामग्री के प्रति छात्रों के मस्तिष्क में अस्थायी विचार बनाने के लिए शिक्षक को पाठ पढ़ाने के पश्चात छात्रों को आवृत्ति करने का अवसर देना चाहिए। अस्थायी विचार ज्ञान प्राप्ति का स्रोत होता है। आवृत्ति के कुल तीन तरीके होते हैं, गृह कार्य, मासिक परीक्षा, छात्रों से पाठ समझाना यानी छात्रों के द्वारा पाठ समझाने के लिए उनको प्रेरित करना। इस प्रकार से आवृत्ति का सिद्धांत इसमें लागू होता है।
निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत, छात्रों में रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्ति का विकास करने हेतु उनसे रचनात्मक एवं मनोरंजन पूर्ण क्रियाएं करानी चाहिए। खेल खेल अथवा मनोरंजन में वे अपने पाठ को स्वतः ही सीख लेते हैं। जब तक शिक्षण कार्य में मनोरंजन क्रियाएं समाहित नहीं होती हैं, तब तक पढ़ने व पढ़ाने वाले दोनों पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला, विभाजन का सिद्धांत, थियरी ऑफ डिवीजन, इसे लघु सोपानों का सिद्धांत भी कहते हैं। शिक्षण स्वयं में व्यापक प्रक्रिया है। इसको सफल बनाने का सबसे सरल तरीका है कि उसे विभाजित करके पढ़ाया जाए। शिक्षक को चाहिए पाठ्यवस्तु को विभाजित करके सरल से कठिन की ओर अग्रसर हो, ताकि तारतम्यता बनी रहे और संप्रेषण व्यवहारिक बना रहे। रायबर्न ने कहा है, एक विभाजन दूसरे विभाजन तक पहुंचा देता है, जिसके फलस्वरूप कक्षा के लिए समझना सहज बन जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको शिक्षण सिद्धांत को बताने की कोशिश किया। अब अगला है शिक्षण के सूत्र। शिक्षण के सूत्र का अर्थ, शिक्षण सूत्रों के विषय में हर्बर्ट और रूसो नामक मनोवैज्ञानिकों ने अधिक कार्य किया है। इन्होंने शिक्षण सूत्रों के विषय में लिखा है, शिक्षकों के अनुभवों एवं शिक्षा शास्त्रियों की अपनी सूझबूझ एवं दार्शनिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित वह मार्गदर्शक सुझाव जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक विशेष संकेत एवं दिशा प्रदान करते हैं, वही शिक्षण सूत्र कहलाते हैं। इनके द्वारा शिक्षक अपने शिक्षा संबंधी कार्यों तथा सामान्य विचारों एवं धारणाओं को एक निश्चित करके, यानी एक निश्चित रूप देता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये सभी शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों में लागू होते हैं, इसलिए उन्हें सामान्यीकृत अनुसिद्धांत की कोट में रखा जाता है। इनका सार्वभौमिक महत्व होता है। इनकी विश्वसनीयता शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही क्षेत्रों में समान रूप से होती है। शिक्षण सूत्र की परिभाषाएं, फ्रॉबेल के शब्दों में, शिक्षण का उद्देश्य है अधिक से अधिक पाना, न कि अधिक से अधिक खोना। फिर समझ लें, फ्रॉबेल के शब्दों में शिक्षण का उद्देश्य है अधिक से अधिक पाना, न कि अधिक से अधिक खोना। शिक्षण सूत्र बच्चों को अधिक से अधिक ग्रहण करने योग्य बनाते हैं। रायमंड के शब्दों में, शिक्षण सूत्र उन तरीकों को बताते हैं जिससे यह आशा की जाती है कि शिक्षण सिद्धांत प्रयोग में सहायक होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि शिक्षण सूत्र शिक्षण कार्य को लक्ष्य तक पहुंचाने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ये शिक्षण सूत्र निम्न है। नंबर एक, सरल से कठिन की ओर, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले आसान तथ्यों को जानना और बाद में उसकी सहायता से कठिन व जटिल तथ्यों को समझने का प्रयास करना यही एक प्रकार से सफलता का उचित माध्यम है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सरल से कठिन की ओर या आसान से जटिल की ओर अग्रसर होने का सूत्र उचित अधिगम क्रम एवं व्यवस्था प्रदान करता है। इसलिए शिक्षक को शिक्षण कार्य करते समय पहले सरल बाद में कठिन तथ्य प्रस्तुत करने चाहिए। नंबर टू, दूसरा सूत्र है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, फ्रॉम नोन टू अननोन। सीखने की प्रक्रिया में छात्र अपने पूर्वर्जित ज्ञान तथा अनुभवों को नए ज्ञान तथा अनुभवों से जोड़ना चाहता है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक भी विद्यार्थी के प्रति यही काम करता है। वह बालक के पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को जोड़ने की कोशिश करता है। इसके लिए उसे ज्ञात से अज्ञात की ओर के शिक्षण सूत्र को अपनाना पड़ता है। अगला सूत्र है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। सबसे पहले मानसिक विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में छात्र स्थूल वस्तुओं के बारे में ज्ञान अर्जित करता है। जैसे जैसे उसका मानसिक विकास होता है, वैसे उसे
उसके अनुभव का छेद बढ़ता जाता है और वह सूक्ष्म विचारों को ग्रहण करने लगता है। नए ज्ञान को स्थूल ज्ञान यानी अमूर्त या सूक्ष्म मात्रों को जानना एक कठिन कार्य होता है, अतः नए ज्ञान को स्थूल उदाहरण से संबंधित करके ये ज्ञान दिया जाए तो ज्ञान प्राप्त करने में सुगमता रहती है। अगला सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर। इस शिक्षण सूत्र का आधार मनोवैज्ञानिक गेस्टाल्ट, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, इनका नाम है गेस्टाल्ट। उन्होंने गेस्टाल्टवादी सिद्धांत इस शिक्षण सूत्र का आधार गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें पहले पूर्ण वस्तु को प्रस्तुत करके फिर उसके विभिन्न भागों का अध्ययन कराया जाता है। पहले पूर्व वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करना चाहिए, फिर उसके अंशों को बाद में बताना चाहिए। जैसे यदि कक्षा के विद्यार्थियों को फूल के भाग पढ़ाने हैं तो सबसे पहले उन्हें पूरा पूरा फूल दिखाकर फूल से परिचित कराना चाहिए, फिर उसके विभिन्न अंगों का अध्ययन करना चाहिए। इस सूत्र का प्रयोग विविध विषयों के शिक्षण में विभिन्न प्रकार से किया जाता है। जैसे गणित की शिक्षा में इसका प्रयोग करने के लिए अध्यापक गणित की समस्या का सारा रूप छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है, इसके बाद उस समस्या के अनेक पक्षों का विश्लेषण करता है। भाषा की शिक्षा में इस सूत्र का प्रयोग करने के लिए शिक्षक पूरे वाक्य को इकाई मानता है, किसी वाक्य के अंदर शब्दों, अक्षरों तथा स्पेलिंग आदि पर ध्यान बाद में जाता है। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग शिक्षण की प्रक्रिया में करते हैं। अगला है अनिश्चित से निश्चित की ओर, फ्रॉम इनडेफिनिट टू डेफिनिट। छात्र का मस्तिष्क अपने वातावरण के संपर्क में निश्चित से अनिश्चित छात्र का मस्तिष्क अपने वातावरण के संपर्क में अनिश्चित से निश्चित की ओर बढ़ता है। जिस प्रकार एक अन्वेषक अनिश्चित तथ्यों के आधार पर निश्चित तथ्यों की प्राप्त करता है, उसी प्रकार का मस्तिष्क कार्यशील रहता है। छात्र सीखने की प्रथम अवस्था में अनिश्चय की दिशा में रहता है तथा बाद में चलकर वह निश्चय की स्थिति पर पहुंच जाता है। विज्ञान के शिक्षण में इस सिद्धांत का प्रयोग बहुधा किया जाता है। छात्र विज्ञान के नियमों, सिद्धांतों तथा घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अनिश्चित से निश्चित की ओर बढ़ते हैं। एक आदर्श शिक्षक को इन सूत्रों का ज्ञान भली प्रकार से कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सूत्र शिक्षक प्रक्रिया के समुचित विकास एवं प्रभाव की दृष्टि से अधिक महत्व रखते हैं। शिक्षक इनके माध्यम से अपने शिक्षण की प्रक्रिया में अभीष्ट प्रभावशीलता करने में समर्थ हो जाता है। अगला सूत्र है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। जो वस्तुएं तथा घटनाएं छात्र के अनुभव क्षेत्र में प्रत्यक्ष ढंग से मौजूद होती हैं, उनका ज्ञान छात्रों को सरलतापूर्वक हो जाता है। वस्तुओं तथा घटनाओं के परोक्ष रूप में होने से उनका छात्र के ज्ञान कोश में प्रविष्ट कराना कठिन कार्य होता है। अतः अध्यापक को चाहिए कि वे अपने विषय से संबंधित ज्ञान को पहले प्रत्यक्ष ढंग से तथा बाद में परोक्ष ढंग से प्रस्तुत कर सकें। अगला शिक्षण सूत्र है विशिष्ट से सामान्य की ओर, फ्रॉम पर्टिकुलर आप जर्नल। फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। सामान्यकृत तथ्य, सिद्धांत व संप्रत्यय आदि अपने आप में कठिन होता है। आरंभ में उन्हें ग्रहण करने में छात्रों को बहुत परेशानी होती है। प्रारंभ में ही इन्हें प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, इसलिए शिक्षण का आरंभ विशेष तथ्यों, उदाहरणों व प्रयोगों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। इस सूत्र का प्रयोग विज्ञान में उपयोगी होता है। विशेष से सामान्य की ओर का सूत्र आगमनात्मक विधि इंडक्टिव मेथड पर आधारित है। छात्र पहले विशेष बातों की ओर आकर्षित होता है और फिर सामान्यीकरण की ओर अग्रसर होता है। इस सूत्र का प्रयोग गणित तथा व्याकरण की शिक्षा में
किया जाता है। अगला सूत्र है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु के ढांचे और रचना को अच्छी तरह समझने के लिए उसे आसान भागों, तत्वों या अवयवों में अलग अलग विभाजित किया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया या प्रणाली है जिसके द्वारा एक समस्या के छिपे हुए तथ्य को किसी व्यवहार या घटना के कारणों का पता लगाने एवं किसी तथ्य या वस्तु की प्रकृति की जटिलता को समझने में सहायता मिलती है। संश्लेषण ठीक विश्लेषण का उल्टा है। किसी भी वस्तु या तथ्य की पूर्ण जानकारी देने के लिए उस वस्तु के विभिन्न भागों या तत्वों को ठीक ढंग से प्रस्तुत किया जाए। संश्लेषण की तुलना में विश्लेषण की प्रक्रिया खोज करने या किसी बात का पता लगाने की एक सहज, स्वाभाविक व आसान विधि है। यह शिक्षण अधिगम कार्य को करने का एक अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण है। इसलिए अच्छे शिक्षक को अपना शिक्षण सदा विश्लेषण से शुरू करके संश्लेषण पर समाप्त करना चाहिए। अगला सूत्र है मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण शिक्षा की प्रक्रिया के शिक्षण और अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के महत्व का प्रतिपादन करते हैं। इसके अनुसार शिक्षक का केंद्र बिंदु छात्र है। शिक्षण प्रक्रियाओं का नियोजन एवं संगठन बच्चे की आवश्यकताओं, योग्यताओं, रुचियों एवं क्षमताओं के आधार पर किया जाता है। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का लक्ष्य भी बच्चे का हित आधार होता है। मनोवैज्ञानिकों के आधार पर, या हम ऐसा कह सकते हैं कि बाल मनोवैज्ञानिकों ने पाठ्यक्रम शिक्षण, व्यूह रचना, सहायक सामग्री और शिक्षण अधिगम वातावरण सभी को अपने शिक्षण संगठन में समाहित किया है। किंतु इसका यह मतलब नहीं कि एक अध्यापक अपना शिक्षण कार्य अनियोजित या बेतरतीब ढंग से प्रस्तुत करे। छात्र को जो कुछ ज्ञान दिया जाए वह मनोवैज्ञानिक आधार के साथ साथ तर्कपूर्ण क्रम में भी दिया जाना चाहिए। शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए यह आवश्यक है कि अधिगम के लिए दिए जाने वाले अनुभवों, शिक्षणों यानी शिक्षण की व्यूह रचनाओं, मूल्यांकन क्रियाओं, प्रतिपुष्ट की प्रविधियों आदि शिक्षण क्रियाओं को ठीक क्रम में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसलिए एक योग्य शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में हमेशा मनोवैज्ञानिक धरातल पर रहते हुए अपने शिक्षण क्रियाओं को तर्कपूर्ण क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है। अगला शिक्षण सूत्र है अनुभव से युक्ति युक्त की ओर, फ्रॉम एम्पिरिकल टू रेशनल। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रारंभ नियमीकरण या व्याख्या के स्थान पर छात्र जो देखता है, अनुभव करता है, उसके आधार पर करना हमेशा अधिक अच्छा होता है। किसी वस्तु को देखने परखने में उसकी अनुभूति पहले होती है, उसके बारे में तर्क देने की योग्यता बाद में आती है। युक्तियुक्त दृष्टिकोण ठोस अनुभव का ही परिणाम है। अनुभूतिजन्य प्रमाण या मूर्त तथ्य ही किसी निष्कर्ष या तर्कसंगत ज्ञान के लिए नींव के पत्थर का काम करते हैं। ठोस सत्य या मूर्त प्रमाणों से रहित थोथे विचारों से कभी भी युक्तियुक्त चिंतन की क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं या तथ्यों से संबंधित धारणाओं एवं प्रकृति को भली भांति समझने के तर्कसंगत दृष्टिकोणों को विकसित करने के लिए या किसी ठोस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए शिक्षक को छात्रों के सम्मुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभवों का ही परिणाम होता है। इसलिए शिक्षक को सदा अपने विद्यार्थी को ठोस अनुभव से युक्ति युक्त ज्ञान की ओर अग्रसर करना चाहिए। भाषा, गणित तथा विज्ञान आदि विषयों के शिक्षण में यह सूत्र बहुत सहायक सिद्ध होता है। अगला और अंतिम है प्रकृति का अनुसरण, फॉलो नेचर। इस शिक्षण सूत्र से तात्पर्य बालक की प्रकृति को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान करने से है। शिक्षक को चाहिए कि वह जो भी बात बताए वह बालक के मानसिक व शारीरिक विकास के अनुरूप ही होना चाहिए।
यदि शिक्षक ऐसा नहीं करते तो इसके छात्र इससे छात्र के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। अतः बालक की प्रकृति के अनुसार शिक्षा प्रदान करके उसे आध्यात्मिक विकास का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए। इसे नैसर्गिक विधि भी कहते हैं। इस संदर्भ में रेमांड का कथन है कि इस सूत्र का यथार्थ अभिप्राय यह है कि हमको अपने साधनों को बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के अनुकूल बनाना चाहिए। इसी क्रम में लैडल ने कहा है कि हमारा शिक्षण और प्रशिक्षण बालक के विकास के नियमों और उसके मस्तिष्क के कार्य करने की विधियों के अनुरूप होना चाहिए। इस प्रकार से मैंने आपको शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण सूत्र पूरा चैप्टर मैंने बताने की कोशिश किया।